हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी में। दोस्तों एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग में सरकारी भर्ती के लिए विज्ञापन यहां पर जारी कर दिया गया है। दोस्तों अलग अलग वैकेंसी यहां पर शामिल की गई है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट यहां पर आ चुका है। इसके अतिरिक्त यहां पर ANM जैसी वैकेंसी यहां पर शामिल की गई है। मेडिकल ऑफिसर और सैनिटरी वर्कर ये वैकेंसीज यहां पर सम्मिलित कर ली गई हैं। और आपको यहां पर बताना चाहता हूं, मात्र जो है इंटरव्यू में आपको यहां पर शामिल होना है। और सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, ये जो पूरी वैकेंसी यहाँ पे जो रिलीज की गई है, हेडिंग आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पुडुचेरी, कहने वाली बात है पुडुचेरी सरकार द्वारा ये पूरा भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज द्वारा ये पूरी वैकेंसी यहाँ पर रहेंगी। इसके लिए जो है आपको यहाँ पर इंटरव्यू में यहाँ पर शामिल होना है। और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है, पोस्ट वाइज कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर शामिल की गई हैं, और एज क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन और सैलरी पैकेज, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूंगा। साथ ही साथ इंटरव्यू में शामिल होने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दें, दिल से इस वीडियो को लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। देख पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आगे आने वाली है, अब आपसे यहाँ पे जानकारी ना छूटे, इसके लिए क्या करना होगा, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें, और स्वास्थ्य की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपनी वैकेंसी टेबल की ओर। तो दोस्तों देखिए, सबसे जो पहली जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई है, मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर रहेगी। और यहाँ पर देखिए, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए आप सभी लोगों को यहाँ पर MBBS होना जरूरी है। और देखिए, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी आपसे यहाँ पर मांगा जा रहा है। और देखिए, सितंबर 2020 की स्थिति में 45 साल से ज़्यादा उम्र आपके यहाँ पे ना हो, अच्छी खासी वैकेंसी है। 100 वैकेंसी जो है यहाँ पे रखी गई है, और 39 वैकेंसी है, और देखिए 14 वैकेंसी, ये सभी वैकेंसी जो है अलग अलग यहाँ पे रहने वाली है। और 40,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। अब बढ़ जाते हैं अपनी अगली वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों अगली जो पोस्ट यहाँ पे जो शामिल की गई है वो रहेगी यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की। और देखिए, BSc नर्सिंग आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर डिप्लोमा है नर्सिंग का तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, रजिस्ट्रेशन होना भी आपका यहाँ पे जरूरी है। 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए, 71 वैकेंसी है, 26 वैकेंसी है, और देखिए 28 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली, अलग अलग जगहों को मिला के ये वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई हैं। 15,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। अगली जो वैकेंसी है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे ANM की। और दोस्तों देखिए, ANM की वैकेंसी के लिए यहाँ पे डिप्लोमा आपसे मांगा जा रहा है, और ANM का ही ये डिप्लोमा होना जरूरी है, ऑक्सिलरी नर्सिंग और मिडवाइफ का। और देखिए, काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना भी आपका पास जरूरी है। 40 साल से ज़्यादा उम्र आपके यहाँ पे ना हो, 57 वैकेंसी है, और देखिए 21 वैकेंसी है, और 14 वैकेंसी, अलग अलग जगहों पे ये वैकेंसी यहाँ पे शामिल की गई हैं। और 12,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा पर मंथ बेसिस पे। अंतिम जो वैकेंसी यहाँ पे जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पे देखिए सैनिटरी वर्कर की। और देखिए, यहाँ पे SSLC पास होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है। और कहने वाली बात है, सीनियर सेकेंडरी जो यहाँ पे आपका कोर्स रहता है, तो अगर आपके पास ये है तो बिल्कुल आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई करें, इंटरव्यू में यहाँ पे शामिल हों। 40 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। मात्र जो है 24 पद यहाँ पे शामिल किए गए। और यहाँ पे देखिए, 10,000 रुपये आपको यहाँ पे वेतन दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा रिक्त पदों का विवरण आपको यहाँ पे मैंने समझाया। और यहाँ पे देखिए, डेट आप सभी लोग यहाँ पे देख लें, वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको यहाँ पे डेट जो यहाँ पे निर्धारित की गई है, 3 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक का आपको यहाँ पे समय दिया जा रहा है। तो देखिए, 3 सितंबर की आपकी जो डेट है वो यहाँ पे निकल चुकी है। और देखिए, आपके पास जो है यहाँ पे 4 सितंबर का समय है, और यहाँ पे देखिए 5 सितंबर का भी समय है। तो देखिए, ये दो डेट अभी यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो इंटरव्यू है आपका जो शामिल होगा, 10 बजे से 5 बजे के बीच जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो भी आपका यहाँ पे रीजन है, आप सभी लोग उसी जगह पे जाके आप लोग अपना यहाँ पे इंटरव्यू देंगे। तो नीचे आप लोग यहाँ पे देख लें, यहीं पे जाना होगा, आप लोग अपना यहाँ पे इंटरव्यू में शामिल हो जाएं। और देखिए, इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे ले जाने होंगे, और एक सेट जो रहता है आपकी फोटोकॉपी का, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, आपकी क्वालिफिकेशंस का, आपके सर्टिफिकेट्स का। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसकी जानकारी जो है फोटोग्राफ के साथ आप लोग यहाँ पे उपस्थित हो, इंटरव्यू में यहाँ पे शामिल हो जाएं। तो पूरी अपडेट मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी। 90 दिनों के लिए ये आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जाएगी, 3 महीनों के लिए अभी हाल ही में आपको इनिशियल स्टेज पे आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी। लाइक कर दें इस वीडियो को, अगर लगता है पूरी जानकारी आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिली है तो लाइक करें इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल वगैरह है, आप सभी लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक कर लें, और स्वास्थ्य विभाग की हर एक सरकारी भर्ती की जानकारी इसी तरीके से आगे पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।